हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करते स्वस्थ होगे, अच्छे होगे, मज़े में होगे और पॉजिटिव फील कर रहे होगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आप दोनों की कल रात की एक दूसरे के लिए ट्रू डीप फीलिंग्स, देखते हैं क्या कुछ निकल के आता है। अगर बहुत साल महीने हो चुके हैं, एक्शन नहीं आ रहा आपके पार्टनर का, आपको डेफिनेटली आपको इस वक्त पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, आपको कॉल कैसे बुक करनी है, ठीक है। तो देखते हैं, यस, पर्सनल रीडिंग में आपको बहुत क्लैरिटी मिल जाती है, फ्यूचर समझ में आ जाता है कि आखिर आपके इस रिलेशनशिप का क्या होने वाला है, ठीक है। तो यस, देखते हैं क्या निकल के आता है। एकदम हैप्पी और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहे, ओके। अपने रिलेशनशिप की अच्छी अच्छी बातें सोचें, एक भी नेगेटिव थॉट दिल में ना लाएं। अपने पार्टनर का नाम दोहराएं, उनका फेस इमेजिन करें, उनकी स्माइल इमेजिन करें, आप दोनों को एक साथ देखें, हैप्पी हैप्पी गाइड करें यूनिवर्स। मेरे जो भी व्यूअर्स इस वक्त इस रीडिंग को देख रहे हैं, हमें इनकी और इनके पार्टनर की कल रात की एक दूसरे के लिए ट्रू डीप फीलिंग्स बताएं। ये क्या कुछ सोच रहे थे, क्या कुछ एक दूसरे के फीलिंग्स में, थॉट्स में चेंजेस आए, हमें गाइड करें, ट्रू मैसेज दे। एकदम हैप्पी रहे, ओके। देखते क्या कुछ निकल के आता है। ओ, फीलिंग्स आपके पार्टनर हाइड कर रहे हैं, शायद आपको कुछ बताना नहीं चाहते, हो सकता है, ठीक है। वैसे भी इनको फीलिंग्स हाइड करने की बहुत ज़्यादा आदत हो सकती है पहले भी, शायद अगर आप इनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें करते होगे कि आपको बताएं। ये माचिस भी जलने का नाम नहीं ले रही, वेट, हम नया माचिस ले लेते। पहले भी अगर आप बहुत ज़्यादा इनसे उम्मीदें रखते होगे ना कि ये मुझे, मतलब मुझे आई लव यू बोले 10 बार, जैसे कि मैं 10 बार बोलती है, मुझे 1 बार तो बोले, लेकिन ये नहीं बोलते थे आपको। ये इतना पसंद करते थे, ये कभी नहीं बोलते थे, ठीक है। आज भी इतना पसंद करते हैं लेकिन ये कभी भी नहीं बोलते हैं, क्योंकि इनको जो है फीलिंग्स हाइड करने की आदत है, ठीक है। देखते हैं क्या कुछ निकल के आता है। यस, देखिए यहाँ पे मैं सबसे पहले आपकी बात करूँगी, तो आपके अंदर ना बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी मुझे नज़र आ रही है, और आपके पार्टनर का जो कि आप उनसे दिल से कनेक्ट होना चाहते हो उस बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो, और जो कि थर्ड पार्टी के बारे में हद से ज़्यादा सोचते हो मुझे दिखाई दे रहे हो, ठीक है। मैं ये बोलूँगी कि आप बहुत ही ज़्यादा थर्ड पार्टी, और जो कि इस रिलेशनशिप में कोई स्मॉल छोटा बच्चा है, उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। और डेफिनेटली है उस बच्चे से आप गुस्सा भी नहीं कर सकते, लेकिन जो कि आप जो है इस तरह से चाहते हो कि आपके साथ इस रिलेशनशिप में जस्टिस हो, जो कि आपको नहीं मिल रहा है, और इसी वजह से आप में जैसे कि डिप्रेशन बढ़ चुका है, अकेलापन आ चुका है, और दिल से आपको ऐसा इस तरह से फील हो रहा है कि पता नहीं आप ये ज़िंदगी जी क्यों रहे हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा नर्वसनेस मुझे नज़र आ रही है, और थर्ड पार्टी से गुस्सा नज़र आ रहा है, ठीक है। दिल से आप चाहते हो ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को छोड़ के जल्दी से चली जाए और आपके पास आ जाए आपके पार्टनर, इस तरह से आप मुझे बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हो। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने पार्टनर को, हो सकता है कुछ लोग जो है मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं अब उनको अट्रैक्ट करने के लिए, ये भी हो सकता है। अफर्मेशंस बोले जा रहे हैं, स्पेल्स किए जा रहे हैं, यहाँ पे मुझे क्लियरली मैनिफेस्टेशन नज़र आ रहा है, ठीक है। और जैसे कि यहाँ पे जे और वी बनाए, एस बनाए, ठीक है, उन लोगों से ज़्यादा रेजोनेट करेगी ये रीडिंग। यहाँ पे टी वी बनाए, 7 है 8 है, आपके आपके पार्टनर के बर्थडे में हो सकता है टी वी बनाए, ठीक है। तो यस, यहाँ पर ट्रायंगल भी बहुत बड़ा बन चुका है, और आपके पार्टनर जो है मैं इस तरह से बोल सकती हूँ कि ना इनकी हालत ऐसी है, इनको मैं ना तो आप में इंटरेस्ट है अभी इस वक्त, ठीक है। जैसे कि कल रात की इनकी फीलिंग्स थी जब ये सो रहे थे, इतने नर्वस और सैड एनर्जीज में थे, और जो कि इनको इतनी तकलीफ हो रही है कि इनको लग रहा है कि मैं ना अपना ये ज़िंदगी छोड़ छाड़ के ना कहीं पे भाग जाऊँ। ये थर्ड पार्टी से बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। ये जो भी थर्ड पार्टी है, अगर रोमांटिक है तो बहुत ज़्यादा उनका हालत इस तरह से है ना, वो थर्ड पार्टी का शक्ल भी नहीं देखना चाहते और वहाँ से भाग जाना चाहते कहीं ऐसी जगह जहाँ पर इनको शांति मिले, चैन का सुकून मिले, क्योंकि जहाँ पर भी है ना इतनी तकलीफ है इनको,
बिल्कुल भी वहाँ पर रह नहीं पा रहे, सांस नहीं ले पा रहे, इनकी हालत इतनी ख़राब हो चुकी है, ठीक है, लेकिन अपना फोकस से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। ये इस तरह से सोच रहे हैं कि इन झगड़ों से इनके घर में बहुत ज़्यादा झगड़े, परेशानी, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, जिससे परेशान होकर आपके पार्टनर जो है छुटकारा पाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क यहाँ पर बना है, जो कि शो करता है कि ये इनके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि मैं करूँ तो क्या करूँ, ये ज़िंदगी इतनी मेरी ख़राब हो चुकी है, और जो कि आप इनके माइंड पे 24/7 चलते रहते हो, वो भी जाते नहीं हो, आपके लिए कुछ कर भी नहीं पाते हैं, तो करें तो क्या करें। और जैसे कि इनका डिप्रेशन, जैसे कि आपका डिप्रेशन बड़ा है, आपके अंदर एक अकेलापन है, सेम वैसे ही अकेलापन आपके पार्टनर के अंदर है, और जो कि कुछ भी नहीं कर पाने की निराशा है बहुत ज़्यादा, मतलब अपने आप को इतना स्टक पा रहे हो आपके एनर्जीज़ के अंदर, लेकिन अपना फोकस जो है आपसे हटाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि शायद अगर ऐसी इनकी सिचुएशन रही तो वो दिन दूर नहीं जब ये पागल हो जाएंगे। इनकी मेंटालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, जैसे कि जीने की उम्मीद भी नहीं है, थर्ड पार्टी से रोमांटिक कनेक्शन भी नहीं, अगर थर्ड पार्टी मम्मी पापा है तो यहाँ से ना मम्मी पापा को छोड़ के कहीं दूर, कहीं ना नया घर लेके वहाँ पे शिफ्ट होके वहाँ पे रहने चला जाऊँ। इस तरह से आपके पार्टनर की एनर्जी यहाँ पे आई और यू भी बनाए, ठीक है, आपके आपके पार्टनर के बर्थ डेट में हो, आपके आपके पार्टनर के नाम का इनिशियल हो सकता है, एल भी है यहाँ पे। तो यस, डेफिनेटली नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है आपके पार्टनर का ना, जैसे कि मैं ये बोल सकती हूँ कि ना दिल में प्यार नाम की ऐसे फीलिंग्स ही नहीं आ रही है, वो बहुत ज़्यादा ना तकलीफ़ से गुजर रहे हैं, इमोशंस नहीं, जैसे कि टच करने के बाद जो प्यार वाली फीलिंग आती है ना, इमोशंस जैसे कि फील होता है, रोमांटिक फीलिंग्स एंड ऑल, तो ऐसा कुछ इनको हो नहीं रहा है। और ये जो इस तकलीफ़ में है कि ये जैसे कि रोज़ ज़्यादा आपके बारे में फिजिकल बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, तो इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूँ तो क्या करूँ, ना तो ये आपके साथ फिजिकल हो सकते हैं, और जैसे कि इमेजिन कर करके तो पागल हो चुके हैं, रातों को इनको नींदें नहीं आती है, तो जो अब इनका ना ऐसे हो सकता है कि सेंस ही गायब हो चुका है, इनको सेंस ही नहीं आ रहा है किसी चीज़ का, और इसीलिए इनको लग रहा है कि मैं क्या करूँ, मुझे ना नहीं चाहिए, जैसे कि जीना भी नहीं है, इस तरह की इनकी सोच बन चुकी है, इनके अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, ठीक है। और ये कहीं पे शायद ना जाने के बारे में सोच रहे, कल भी ऐसा ही कुछ निकल के आया था, ट्रैवलिंग नज़र आ रही थी, तो आज भी यही है, कहीं पर जाना चाहते हैं लेकिन अकेले, ठीक है, जैसे कि इनको ग्रीनरी की ज़रूरत है, वाटर, जैसे कि नेचर में जाना है इनको, ठीक है, जहाँ पर बहुत सारा पानी हो, बहुत सारी ग्रीनरी हो, मतलब पंछी एक सुकून भरी सांस वो ले सके, जहाँ पे इनको कोई भी तकलीफ ना दे, ये इस तरह से कहीं पे जाने के बारे में सोचते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। और यस, यहाँ पे अगर आपकी बात करूँ ना, दूर दूर तक आपके बारे में इनके दिमाग में मुझे कल रात कोई भी थॉट नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है, इनका थॉट बस इतना ही है कि अब मुझे जीने दो, नहीं तो मैं एक दिन बहुत जल्दी मर जाऊँगा, वो दिन दूर नहीं जब मैं पागल हो जाऊँगा और मर जाऊँगा, जो कि ये जो भी सिचुएशन है इन्होंने खुद अपने लाइफ में एंटर कराई है, इनको पता था ये आपके बिना नहीं रह पाएंगे, इनको पता था आप इनसे कितना सच्चा प्यार करते हो, इनको सब पता था कि आपकी अगर आपका दिल अगर तोड़ा जाए तो आपके दिल से जो आह निकलेगी, जिससे ये बिल्कुल कभी सुकून की ज़िंदगी नहीं जी सकेंगे, इनको सब पता था, लेकिन इन्होंने जो है अपने दिल की बात नहीं मानी, अपने दिल को जैसे कि ताला लगा लिया था, और वही ताला उन्होंने अब लगा लिया है। कल रात इनका, मतलब मैं ये बोल सकती हूँ कि ना तो मुझे किसी से प्यार चाहिए, ना तो मुझे किसी से मिलना है, और मुझे ना अकेले कहीं पे भाग जाना है, मुझे कोई नहीं चाहिए, ना तो मुझे अगर ये ऑफिस जाते हैं तो इनको काम पे जाने का मन नहीं करता है, अगर ये घर में रहने वाले पर्सन है इनको घर में काम करने का मन नहीं करता है, ना तो टीवी देखना, एंटरटेनमेंट, गाने सुनना, ऐसा कुछ भी नहीं है इनको ना, मतलब सारी अच्छी बातें जो हमें पॉजिटिव करती है उन सारी बातों से जो है इन्होंने डिस्टेंस बना लिया है, इस तरह से हो चुका है इनको, बस अकेलापन, सैड एनर्जीज, रोना, और जैसे कि एक जगह पे बैठ के सोना, इस तरह से एक जगह पे बैठ के और बस अपने मोबाइल में देखते रहना, और कुछ तो भी सर्च करना, और क्या सर्च कर रही वो भी समझ में नहीं आ रहा है बस, और बोर होके जो है बिना कुछ माइंड में लिए बस सो जाना, इस तरह से इनका है, ठीक है, नेगेटिविटी है, सैड एनर्जीज है, हो सकता है कि इन्होंने कोई सैड सपना भी देखा हो, ठीक है, कि जो कि इनके साथ कुछ बुरा हो रहा है सपने में, ऐसा कुछ
जिससे कि इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। जब मॉर्निंग में उठे इनके हेडेक बहुत ज़्यादा थी, पेनफुल सिचुएशन थी, और जो कि एग्जॉशन तकलीफ, और जैसे कि मैंने बोला कोई भी काम करने का इनका बिल्कुल भी दिल नहीं था कल। यही है, मॉर्निंग में इनके यही हाल है। और यस डेफिनेटली यहाँ पे सैड एनर्जीज मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही हैं। आपके पार्टनर का मैं यही बोल सकती हूँ कि इस वक्त ना ये अपनी ज़िंदगी से परेशान हो चुके हैं, ठीक है, थर्ड पार्टी से परेशान हो चुके हैं हर एक चीज़ से। और जैसे कि आपके पास भी आने के लिए कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कैसे आऊँ, क्या करूँ, क्या टेक्निक लगाऊँ, क्या दिमाग लगाऊँ, कैसे रास्ता बनाऊँ, उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इन्होंने जो आपको है ना अभी डिवाइन के ऊपर सरेंडर कर दिया है, ठीक है। अगर आप किस्मत में होगे तो इनका रिश्ता आपके साथ स्टार्ट हो जाएगा, अगर नहीं होगे तो नहीं होगा। अभी इन्होंने इस तरह से, पहले तो अब मैं जीता हूँ कि नहीं पहले ये मुझे देखने दो, इनकी इस तरह से फीलिंग थी कल रात की, ठीक है। और आपकी तो मैंने बता ही दिया, आप बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी के बारे में ही सोचते हो, अकेलापन आपके अंदर बहुत ज़्यादा था, जो कि मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया है, ठीक है। तो यस यही थी एनर्जीज, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस इनके इमोशंस में मुझे नज़र आया, ठीक है, आपको लेके। लेकिन ये से कल रात की फीलिंग्स थी, और फीलिंग्स जो है बार बार चेंज होती रहती है, ठीक है। ये मैंने आपका फ्यूचर नहीं बताया है, फीलिंग्स थॉट्स इंसान के पल पल, मिनट मिनट, घंटे घंटे चेंज होते रहते हैं। हमारा मन जो एक वक्त यहाँ पे होता है और अभी बैठे बैठे वो लंदन अमेरिका घूम के आ जाता है, ठीक है। तो कब कौन सा थॉट दिल में आ जाए, कब कौन सी फीलिंग आ जाए, हम इस वक्त नहीं बता सकते। तो ये कल रात की फीलिंग्स थी, चेंज हो जाएगी बहुत जल्दी, ठीक है, सैड होने की ज़रूरत नहीं है। तो यस, अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको पर्सनल रीडिंग कराने स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी कॉल कैसे बुक करनी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।